अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्ल बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ पर्ल प्रोग्राम। हम जो है वो यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं कि पर्ल जो है बेसिकली क्या है। पर्ल जो है वो बेसिकली एक जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड और डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल डिवेलप की गई थी टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे पुट किया गया लाइक एक्सट्रैक्टिंग या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम पुट कर रहे हैं स्पेसिफाइड टेक्स्ट फाइल से, यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल को डिफरेंट फॉर्म के अंदर। पर्ल जो है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है बहुत द प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। पर्ल जो है वो यहाँ पे सिमिलर नहीं है सी से, सिंटेटिकली ये जो है वो इजियर टू यूज है, जिसको आप यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस एंड सी। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुट की गई है, पर्ल जो है वो फॉलो कर रहा है बेसिक सिंटैक्स को, जिसमें आप रिटर्न कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को और सॉफ्टवेयर को, राइट कर रहे हैं सिंपल पर्ल प्रोग्राम। ये सिंटैक्स जो है वो जिसके अंदर काफी सारा प्री डिफाइंड किया गया वर्ड्स को, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स हैं, सॉर्टिंग वैल्यूज, एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहा है लॉजिक को, लूप्स को, इटरेटिंग को ओवर द वेरिएबल वैल्यू ब्लॉक को, जो ग्रुपिंग स्टेटमेंट है, सब रूटीन्स हैं, जो रिड्यूस कर रहा है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कोड की। ऑल ऑफ दीज जो है वो यहाँ पर पुट की गई है, हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन दिस वीडियो में। फर्स्ट आता है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल जो है वो बेसिकली यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं, जो हम यूज करते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं वैल्यूज को, पास कर रहा होता है प्रोग्राम से, इसे हम जो है वो यूज कर रहे हैं, वैल्यूएट कर रहा होता है कोड को। हर पर्ल प्रोग्राम जो है वो जिसके अंदर वैल्यूज पुट की गई है, कोड परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशन में, और ये वैल्यू जो है वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, सॉर्ट कर रहा होता है विदाउट द यूज ऑफ वेरिएबल से। तो वैल्यू जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें आप सॉर्ट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं वेरिएबल में, यूज कर रहा होता है वेरिएबल नेम। तो डाटा यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है, डाटा पास कर रहा होता है प्रोग्राम से, परफॉर्म कर रहा होता है मैनिपुलेशन और यहाँ पे ऑपरेशन। तो जिसके अंदर जो है वेरिएबल्स आते हैं, जिसमें नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, लिस्ट है, एग्जांपल पुट की गई वैल्यूज 5 ये एक है, और यहाँ पे जो है वो 15 से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे जो है वो देखे वेरिएबल्स, जिसमें ए जो है वो 5 है वेरिएबल, और यहाँ पे जो है वेरिएबल बी एक्स है, और सी जो है 15 से रिप्रेजेंट किया गया। अगर मैं अबाव एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे वन स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो है वन स्ट्रिंग वेरिएबल है, टू इंटीजर्स वेरिएबल जो है पुट किए गए हैं। ये देखिए टू इंटीजर्स है और यहाँ पे जो है वन स्ट्रिंग वेरिएबल जो है पुट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन पर। सेकंड आता है हमारे पास बेसिक सिंटैक्स ऑफ पर्ल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है वो पर्ल में हम जो है वो मेड कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं वेरिएबल को और ऑपरेट कर रहा होता है सिम्बोलिकली, यहाँ पे जो है वो सिंबल जो है पुट किया गया। ये जो है वो एक्सप्रेशन जिसमें फॉर्मुलेट कर रहा होता है ऑपरेशन को, जिसमें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है एक रिस्पेक्टिव कोड में, और एक्सप्रेशन जो है वो पर्ल में सम टाइम जो है वो रिटर्न कर रहा होता है वैल्यू को जो वैल्यूएट कर रहे होते हैं, और एक्सप्रेशन जिसमें सिंप्लीफाई कर रहा होता है वैल्यू को, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता और ऑपरेटर सिंबल जो है वो नहीं होता। यहाँ पे इसमें जो है वो इंटीजर पुट किया गया, जिसमें स्ट्रिंग है, नो वेरिएबल पुट किया गया। इसमें आप देखें कि वैल्यू 10 जो है एक्सप्रेशन है वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, ये जो है वो एक्सप्रेशन पुट किया गया। तो यहाँ पे जो है वो सम भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो एक्सप्रेशन पुट किया गया, जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो हम यूज करते हैं परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशन को स्ट्रिंग पर और सब स्ट्रिंग्स पर। अब बात करते हैं कमेंट्स। पर्ल डेवलपर जो है वो जब आप यूज कर रहे होते हैं कमेंट सिस्टम को विदाउट यूजिंग, और ये जो है वो चीजें रियल कंफ्यूज कर रही होती हैं, रियल फास्ट कर रही होती हैं। कमेंट्स जो है बेसिकली हम यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को डेवलपर्स के लिए, जो प्रोवाइड कर रहा होता है, जब आप मेक कर रहे होते हैं, रेंडर कर रहे होते हैं, रीडर कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं सोर्स कोड को। ये जो है वो बेसिकली कमेंट एक्सप्लेन कर रहा होता है लॉजिक पार्ट को, और इसे हम यूज करते हैं कोड में। कमेंट जो है वो बेसिकली एक यूजफुल टूल है, जो हमें हेल्प दे रहा होता है जब हम मेंटेन कर रहे होते हैं, एनहांस कर रहे होते हैं अपने कोड को, और यहाँ पे जो है वो हम इसे यूज करते हैं। ये जो है वो एक यूजफुल प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है, जो हम कह सकते हैं, जो हमें एक रीडेबिलिटी की पावर दे रहा होता है होल प्रोग्राम में। और इसकी जो है वो टू टाइप्स पुट की गई है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो लेक्चर आपके साथ शेयर किया, सिंगल कमेंट एंड मल्टीपल कमेंट्स। इसके टू टाइप्स हैं बेसिकली पर्ल में। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया हैशटैग के साथ, यहाँ पे जो है व्हाइट स्पेस पुट किया गया, ये देखिए हैशटैग, और यहाँ पे जो है मल्टीपल कमेंट्स जो है पुट किया गया इज इक्वल के साथ जो है रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे देखें कि पर्ल है और यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज किया गया यूजर बाइनरी पर्ल, यहाँ पे वेरिएबल बाइनरी बी पुट किया गया 10, असाइन किया गया वैल्यू टू वेरिएबल बी,
वेरिएबल सी इज इक्वल टू 30 असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल सी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी परफॉर्मिंग द ऑपरेशन प्रिंट वेरिएबल ए प्रिंटिंग द रिजल्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो है वो टाइप्स की, मल्टी लाइन स्ट्रिंग एज अ कमेंट। पर्ल जो है वो मल्टी लाइन कमेंट है, एक पीस है जब आप टेक्स्ट जो है अनक्लोज कर रहे हैं विद इन इज इक्वल के साथ और इज इक्वल कट के साथ। ये जो है वो एक यूजफुल टूल है जो हम यूज करते हैं कमेंट में, और ये जो है वो हमें जब जरूरत होती है। यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं पर्ल जो आउटपुट किया गया मल्टीपल कमेंट के साथ। ये देखें मल्टीपल कमेंट यहाँ पे किया गया इज इक्वल टू असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी इज इक्वल टू कट किया गया बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 30 से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट इज इक्वल टू कट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्रिंट इज इक्वल टू ए पुट किया गया। स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है वो पर्ल में होल्ड कर रही होती है इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर के लिए जो परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशन से, और ये स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म करती है ऑपरेशन में वेरिएबल पर वैल्यूज पर जब हम रन कर रहे होते हैं टाइम को, और एवरी स्टेटमेंट जो है वो पर्ल में मस्ट बी एंड कर रहे होते हैं हम सेमी कॉलम के साथ। बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है वो हम रिटर्न कर रहे होते हैं सोर्स कोड के अंदर जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स है स्टेटमेंट की पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइक जिस तरह के असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है और मैनी मोर। ये जो है वो हमें हेल्प दे रहा होता है, यूजर को हेल्प दे रहा होता है जिसमें रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो आप ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल पुट की गई है इज इक्वल टू 50, ये जो है वो मल्टीपल कमेंट जो है वो पुट किया गया असाइन स्टेटमेंट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट, मल्टी लाइन स्टेटमेंट जो है वो पर्ल में हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं वन और मोर लाइन्स को जो सिंपली जो है वो डिवाइड कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस जिस तरह पाइथन है, पर्ल जो है वो एक लुक दे रहा होता है सेमी कॉलम के साथ जिसमें आप एंड कर रहे होते हैं अपनी स्टेटमेंट को, और हर लाइन जो है वो दूसरी सेमी कॉलम के साथ कंसिडर की गई है सिंगल स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे प्रोग्रामर जो होते हैं उनको जो है वो काफी ज्यादा जरूरत होती है जिसमें आप यूज कर रहे होते हैं वन लाइन और इजिली जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल लाइन से। एग्जाम्पल पुट की गई जिसमें आप यहाँ पे देखें कि वेरिएबल एक्स पुट किया गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस तरीके से जाओ यहाँ पे देखें किस तरीके से जाओ रिप्रेजेंट किया गया स्टेटमेंट को। अब बात करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो यूजली जो है वो हम यूज करते हैं परफॉर्म करने के रिलेटेड ऑपरेशन को। पर्ल में जो है वो बेसिकली मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जो हम एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिमल्टेनियसली अंडर अ सिंगल कंडीशन और लूप में जिसको हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। ये जो है वो फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिमल्टेनियसली, और ये ब्लॉक जो है वो हम यूज करते हैं जिसमें आप मेक कर रहे होते हैं प्रोग्राम को मोर ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेटमेंट ग्रुप्स में। वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं इनसाइड द ब्लॉक जिसमें हम स्कोप लिमिटेड यूज कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड ब्लॉक है, और इसमें जो है वो आउटपुट जो है वो हम यूज नहीं कर रहे होते आउटसाइड द ब्लॉक में। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया जिसमें आप स्पेसिफिक ब्लॉक जो है वो यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 15 और एक्स इज इक्वल प्रिंट एक्स जो है इस यहाँ पे देखें यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस जो है वो यहाँ पे ब्लॉक की फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे ब्लॉक जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। अब कोड की बात करूं जिसमें वेरिएबल एक्स पुट किया गया जो हमें स्कोप दे रहा है लिमिटेड स्कोप और एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है दे रहा है आउटसाइड द ब्लॉक में, तो यहाँ पे देखेंगे अबव ब्लॉक जो है वो होल्ड कर रहा है स्टेटमेंट को जिसमें ऑपरेट किया हो किया गया ऑपरेशन जो है रिलेटेड टू ईच अदर। फंक्शंस और सब रूटीन्स, फंक्शन और सब रूटीन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिटर्न किया जाता है प्रोग्राम के अंदर जो परफॉर्म कर रहा है सम स्पेसिफिक टास्क को, और ये जो है वो रिलेट कर रहा है फंक्शंस को प्रोग्राम्स के अंदर जो एम्प्लॉय जो है वो एक ऑफिस है और रियल लाइफ टाइम बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमने जो है वो फंक्शन को किस तरीके से रन करना है वर्क करना है। तो ये सारी चीजें आती है फंक्शन और सब रूटीन के अंदर। एक एम्प्लॉय जिस तरह पुट किया गया इन्फॉर्मेशन ले रहा है सब स्टैटिक की बॉस से और परफॉर्म कर रहा है कैलकुलेशंस और कैलकुलेट कर रहा है अपने बजट को शो कर रहा है रिजल्ट को टू हिज बॉस से, तो ये फंक्शन जो है वर्क कर रहा है सिमिलरी मैनर के साथ, और ये टास्क जो है वो इन्फॉर्मेशन जिसमें पैरामीटर यूज किया जाता है एग्जीक्यूट कर रहा है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को और परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशंस को जिसमें पैरामीटर यूज किया गया पर्ल जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है जिसमें टू मेजर टाइप्स आती हैं फंक्शंस की। बिल्ड इन फंक्शन, पर्ल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एक ह्यूज कलेक्शन को बिल्ड इन लाइब्रेरी फंक्शन में, ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कोडेड है और स्टोर की जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन में। हम जो है वो यूज कर रहे हैं जिसे जब हमें जरूरत होती है कॉल कर रहे हैं पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है पुट किया गया जिसमें सिन है, साइन है, कॉज है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो है पुट किया गया, उसके बाद रिटर्न है
और चेंज जो है पुट किया गया, रिटर्न शिफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ होती हैं जो क्लासेस पुट की गई हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये जो है वो बिल्ड इन फंक्शन है, ये भी जो है पार्ट है बिल्ड इन फंक्शन का। और पर्ल जो है वो लो कर रहा है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमाइज फंक्शन को, जिसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड सब फंक्शन और सब रूटीन। यहाँ पे हम बात करते हैं लूप्स। लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लूप जो है वो पर्ल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है स्टेटमेंट को और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स में, अंटिल और अनलेस जो है स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो जब मिलती है। ये जो है वो हेल्प दे रहा होता है यूजर को, जिसमें बहुत टाइम और एफर्ट कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स के साथ। पर्ल जो है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है वेरियस टाइप्स ऑफ लूपिंग टेक्निक्स, जिसमें फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, व्हाइल लूप, डू लूप, अनटिल लूप एंड नेस्टेड लूप। यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट की बात करूं तो ये देखिए इनिशियलाइजेशन पुट किया गया, देन जो है वो कंडीशन चेकिंग है, और यहाँ पे जो है इफ ट्रू स्टेटमेंट पुट की गई है। इफ ट्रू स्टेटमेंट के बाद जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, फिर कंडीशन चेकिंग, और एंड पे जो है वो रिप्रेजेंट की गई इफ फॉल्स में। वाइट स्पेसेस एंड इंडेंटेशन। वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस जो है ऊपर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं ब्लैंक्स के साथ, जो यूज किया जाता है वेरिएबल में और ऑपरेशंस में। तो इसमें जो है वो कीवर्ड्स जो पुट किए जाते हैं, पर जो है वो इसमें नो इफेक्ट होता है वाइट स्पेसेस में, जिसमें आप यूज कर रहे होते हैं कोट्स के साथ। और वाइट स्पेसेस जो है वो सच में ब्रेसेस हैं, टैब्स हैं, न्यू लाइंस हैं, जो सेम जो है मीनिंग दे रही होती है पर्ल में। और यहाँ पे जो है आउटसाइड द कोट में यूज करते हैं, ये देखें वेरिएबल ए बी सी, और यहाँ पे जो है स्पेस आप देखें नो यूज है, और इट विल केस नो इफेक्ट व्हेन द यूजर रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे कोई जो है इफेक्ट नहीं किया जब आप जो है यहाँ पे स्पेस भी दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं किया पर्ल लैंग्वेज में। सेम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज किया गया। सेकंड बात करूँ गीक्स फॉर गीक, आप यहाँ पे देखें कि वेर एज जो प्रिंट किया गया गीक्स फॉर गीक, यहाँ पे वाइट स्पेस पुट की गई है, कोई जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं किया वाइट स्पेस प्रेसिजन। तो इंडेंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप अरेंज कर रहे हैं कोड को, और ये जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है वे को, डाटा को, जिसमें आप मेक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इजियर रीडर के लिए। ये जो है वो बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं इंडेंटेशन कर रहा है, जिसमें हेल्प दे रहा है रिड्यूस कर रहे हैं रीडिंग कम्प्लेक्सिबिलिटी कोड को। यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है यूजिंग इंडेंटेशन, वेरिएबल ए बी एंड सी, प्रिंट वेरिएबल ए विदाउट यूजिंग इंडेंटेशन, वेरिएबल बी एंड सी, प्रिंट ए। अब आप एग्जाम्पल में आप देखें एक एक्सट्रैक्ट किया गया कोड को जिसमें आप यूज कर रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, जो इंडेंटेशन में एक जो है कंपेटिबल है रीडर्स के साथ। कीवर्ड्स, लास्ट आता है वेरिएबल हमारे पास बेसिक सिंटैक्स कीवर्ड। कीवर्ड और रिवर्स रिजर्व्ड वर्ड्स जो है वो बेसिकली वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं सम टाइम जो है वो इंटरनल प्रोसेस के लिए, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्री डिफाइंड कर रहा होता है एक्शन, और ये जो है स्पेशल मीनिंग होते हैं इसमें कंपाइलर में। और ये वर्ड जो है वो बेसिकली अलो कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं वेरिएबल नेम्स को और ऑब्जेक्ट्स को, जब हम जो है वो रिजल्ट जो आउटपुट कर रहे होते हैं कंपाइल कर रहे होते हैं टाइम एरर के साथ। पर्ल में जो है वो कीवर्ड्स इंक्लूड एंड बिल्ड इन फंक्शन है जो हमें कंट्रोल करने के साथ हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ये वर्ड जो है वो समटाइम हम यूज करते हैं वेरिएबल नेम के साथ जो हमें रिजल्ट दे रहा होता है, कंफ्यूजन दे रहा होता है, डिबगिंग कर रहा होता है प्रोग्राम जो है वो डिफॉल्ट है। और एग्जाम्पल पुट की गई है वन कैन यूज वेरिएबल प्रिंट एज अ वेरिएबल अलॉन्ग विद द कीवर्ड प्रिंट जो है पुट किया गया कीवर्ड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।